च मनसेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि सकलं परस्मे सदा शिवाय समर्पयामि ओ देव शांतिरक्ष घो शांति पृथ्वी शातिरप शांतिरुखदय शांति वनस्पत शातिविशेदेव शांति ब्रह्म शाति सर्वशाति शांतिरव शांति साम शांतिर यत समीह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूजपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि प्रणाम एवं स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपपुत क्षोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परिवाज काचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स ओम नमो नारायणाय आत्मस्वरूप बंधुओं भक्तिवती माताओं युवा दोस्तों प्यारे बच्चों आप के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर एवं भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम कईयों का एक प्रश्न है कि हम कितने समय से कितनी सालों से हम पूजा करते हैं तप करते हैं जप करते हैं दान करते हैं पुण्य करते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन हमको कोई फल तो मिला नहीं हमको देखने में तो कोई आया नहीं कि मुझे कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ लेकिन आप विश्वास रखना वो किया हुआ सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है और उसका आधार चाहिए तो देखो श्रीमद भगवत गीता खोल के देख लो नहीं कल्याण कुछकृतिम दुर्गतिम गच्छति हे तात इस रास्ते पे चलने वाले के कभी दुर्गति नहीं होगी ऐसा जेंटलमैन प्रॉमिस दिया है भगवान श्री कृष्ण ने देख लो आप खोल के इसीलिए निकम्मा नहीं जाएगा लेकिन गृहस्थ को तो ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी साधुओं के मन में भी ऐसी बात हो जाती है कि इतने साल से हमने घर छोड़ा त्याग किया कुछ लाभ नहीं हुआ कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं हुई ऐसा मन में कभी कभी हमने सुनने में आता है क्यों गौतमेश्वर तो पुराण प्रसिद्ध है इसीलिए वहाँ कई संत महात्मा आते हैं जिसका दर्शन जिसका सत्संग का लाभ बहुत मिला है ऐसी ही एक घटना वृंदावन में हुई स्वामी महावाचार्य करके एक संत हो गए गायत्री के परम उपासक थे और कोई भी नियम आप 12 साल तक रखो ने वो नियम फलीभूत होता है पक्की बात है नियम फलीभूत होगा ही उसमें कोई शंका नहीं उसने तेरह साल तक भगवती राजराजेश्वरी माँ गायत्री का अनुष्ठान किया तेरह साल तक जब तेरह साल के बाद मैं पूर्णावती गया तो कोई उसको फायदा नहीं मिला ना भौतिक फायदा मिला ना आध्यात्मिक फायदा मिला निराश हो गए करे राम राम मैंने तेरह साल तक निष्ठापूर्वक माँ भगवती गायत्री की उपासना किया लेकिन मुझे कोई सोच में लाभ तो दिखता नहीं है बोले चलो काशी जाते हैं वो वृंदावन से वाराणसी चले गए काशी जी में गए वहाँ वो उसको एक अवधूत जी मिले और अवधूत जी के सामने अपनी व्यथा व्यक्त किया कि महाराज से मैंने तो तेरह साल तक वृंदावन में भगवती गायत्री की उपासना किया है लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ इसलिए मैं काशी में आया हूँ श्री काशी जी में कोई रास्ता मिल जाएगा ऐसा समझ के मैं विश्वनाथ जी के पास आया हूँ अवधूत जी ने कहा एक काम करो आप जो है एक साल कालभरव की उपासना करो आपको रिजल्ट मिलेगा परिणाम मिलेगा ही उनको तो परिणाम चाहिए था भूख भी लगी थी अंदर से एक साल निष्ठा पूरक उसने भजन किया कालभैरव भगवान का काल भैरव भगवान पगड़ हो गए कहा कि भैया मांग लो श्री माधवाचार्य जी महाराज के मन में हुआ कि मेरी भ्रमणा है कोई व्यक्ति दिखती तो है नहीं आवाज आ रहा है कि मांग लो फिर वो भजन करने लग गए फिर दोबारा आवाज आई कि भाई मांग लो जिसका तुम भजन करते हो वही मैं काल भैरव हूँ तो कहा प्रभु आप काल भैरव है तो सामने आके दर्शन दो ने मुझे आप दर्शन क्यों क्यों नहीं देते रहे हो अब देखो गायत्री मंत्र में कितनी शाका शक्ति है कितनी ताक़त है ऐसे मैंने जो सुना वो आपको बता रहा हूँ काल भैरव जी भगवान शिव जी का ही गण है लेकिन जो मैंने एक महात्मा से बात सुनी कि काल भैरव जी ने ऐसा कहा कि देखो तुमने जो बारह साल तेरह साल गायत्री अनुष्ठान किया है वो गायत्री माँ की शक्ति तुम्हारे शरीर के आसपास है इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता हूं तो मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला बोले देखो तुम्हारे अनेक जन्मों का पाप जल गया है बारह साल तुमने जो गायत्री अनुष्ठान किया मां का वो तुम्हारे पूर्व जन्म का सभी पाप जल के भस्म हो गया है अभी इस जन्म का है तुम दोबारा वृंदावन वापस जाओ और एक साल गायत्री माँ का उपासना करो इस जन्म का भी पाप समाप्त तो हो जाएगा और उसमें उसके बाद माँ गायत्री आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी ऐसा काल भैरव जी ने उसको बताया दोबारा वृंदावन आए आके पुनः फिर अनुष्ठान शुरू किया एक साल के बाद माँ साक्षात आई माँ गायत्री ने उसको दर्शन दिया कहा कि मांग ले बेटा तेरे को जो चाहिए तू तो मांग ले बोले माँ मैंने तेरह साल किया कुछ अनुभव नहीं हुआ आपने कृपा नहीं किए कि बेटा तेरा बहुत जन्मों का पाप था वो सब पाप जल गया है और इसी से जो काल भैरव जी ने तेरे को रास्ता दिखाया इस जन्म का जो भी पाप होगा वो भी समाप्त हो गया अब तो निष्पाप है इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ और तेरे को कह तू तो मांग ले बेटा बोले माँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस केवल आपका दर्शन हो गया अब सब कुछ मुझे मिल गया मैंने संतुष्ट हो गया है देखो इसीलिए ये दृष्टांत जो महात्मा ने मुझे सुनाया वो बोले सच्चा दृष्टांत ये कोई काल्पनिक नहीं है किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा चाहे दान हो चाहे पुण्य हो चाहे तीर्थ यात्रा हो चाहे गंगा स्नान हो चाहे सेवा हो चाहे भगवान नाम का जप हो कभी निष्फल नहीं जाएगा कभी निष्फल नहीं जाएगा इसलिए जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे श्रद्धा और पूर्वक आगे चलना चाहिए पीछे मुड़ के देखो मत आपका किया हुआ सत्कर्म आपका किया हुआ भजन आपके किए हुए तपस्या आपके किए हुई यात्रा कभी निष्फल नहीं जाएगी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आगे बढ़ना भगवान आपका कल्याण करेंगे हरिओं तत्सत हरिओं तत्सत हरिओं तत्सत